आज्ञाकारी वफादार फरमान बरदार फरमान बरदार ईमानदार ये चार गुण जिनमें नहीं होते उनको बाप भी अंत में सूट करेंगे इसको है? अंत में सूट करेंगे बाप भी अंत में क्या करेंगे सूट करेंगे शूट कर देंगे ऐसे मिलिट्री में दूसरे ऑफिसर का बात छोटा ऑफिसर नहीं मानेंगे तो है? उसको शूट करेंगे तो कोई कचहरी कोर्ट भी केस नहीं चलेगा नहीं चलेगा वैसे ही यहाँ ही होता है यहाँ भी ऐसे ही होगा सूर्यवंशी बनना है रूहानी मिलिट्री बनना है या नहीं रूहानी मिलिट्री में तो भर्ती होना है ये सबसे ऊंची मिलिट्री है क्या जैसे रेलवे है फाइनेंस है ये सब क्या नाम गवर्नमेंट के अंग तो है ना उनमें सबसे जास्ती खर्चा किसके ऊपर होता है हैं मिलिट्री के ऊपर सबसे जास्ती खर्चा होता है ये भी शिव बाबा की मिलिट्री है क्या रूहानी मिलिट्री लेकिन इसमें वो ही लिए जाएंगे क्या बताए आज्ञाकारी वफादार फरमानबरदार ईमानदार आज बनना चाहो तो आज बन जाओ अव्वल नंबर में चले जाओ फर्स्ट क्लास ऊंचे ऊंचे ऑफिसर्स की कैटेगरी में आ जाओ अरे मिलिट्री में रैंक होते हैं कि नहीं बाद में बनेंगे तो नीचे रैंक में जाएंगे नहीं बनेंगे तो रूहानी मिलिट्री से छूट क्योंकि अंत में मार्शल लॉ लागू होने वाला है ये क्या होता है हैं मिलिट्री में सबसे ऊंचा पार्टधारी कौन होता है सबसे ऊंचा पदाधीश कौन सा होता है कमांडर मिलिट्री कमांडर मार्शल और हमारी रूहानी मिलिट्री का मार्शल कौन है शंकर तो शंकर के हाथ में सारी सत्ता आ जाएगी क्या अभी से अभ्यास डालो किस बात का आज्ञाकारी वफादार फरमानबरदार ईमानदार अभी से अभ्यास नहीं डाला तो अंत मते सोई गति हो जाएगी अभी अवज्ञा करते रहे करते रहे करते रहे तो अंत में क्या होगा अवज्ञा ही कर देंगे और छूट कर दिए जाएंगे सूर्यवंशियों से ही बाहर न प्रजा में आएंगे न ऊंचा पद पाएंगे तो क्या करना चाहिए बहुत बढ़िया प्रश्न पूछ लिया और वफादारी का अर्थ मालूम है हैं? पत्नी के संबंध में पति के संबंध में वफादारी होती है पति पत्नी के संबंध में क्या बात गोपनीय रखने की होती है और कौन सी बात दूसरों से कहने की होती है इसमें अंतर है या नहीं है पति पत्नी का संबंध ऐसा प्यारा संबंध है कि अंदर की बात दोनों के बीच की बात तीसरे को अगर बता दी तो बेवफा औरत है बेवफा आदमी है पत्नी को मान देता है या नहीं देता है नहीं अगर दूसरों से बोलता है तो मान नहीं देता है वफादार नहीं है ऐसे ही आज्ञाकारी पिता और पुत्र के संबंध में आज्ञाकारी होना चाहिए जो बाप ने आज्ञा की हाँ जी ना नहीं करना है तो बाप और बेटे का संबंध पक्का है
ना कर दिया, माने बाप का खून है ही नहीं, किसी दूसरे का खून बैठ गया इसके अंदर, इसको किसी दूसरे ने पैदा किया है, बाप ने पैदा नहीं किया, इसलिए इनकार करता है। सूर्य का खून है ही नहीं, फरमान बरदार। बाप बच्चे को माफ करता है या नहीं करता है? करता है। और गुरु? गुरु माफ नहीं करेगा, जो फरमान निकाल दिया उस फरमान को तुरंत मानना पड़े, नहीं माना ना फरमान, खेल खलास हो गया। ईमानदार टीचर और स्टूडेंट के संबंध में ईमानदार, टीचर जो पढ़ाई पढ़ा रहा है, जो श्रीमत दे रहा है, उस श्रीमत को ईमानदारी से पूरा करना, ऐसे नहीं आधा किया आधा छोड़ दिया, आधा स्वार्थ में लगाया आधा ईश्वरीय सेवा में लगाया, नहीं पूरा ईमानदारी से काम करना, एक पैसा भी चुरा लिया या बिना बताए खर्च कर दिया तो ईमानदार है या चोर है? असंख्य चोर हराम खोरों की लिस्ट में आ जाते हैं, कख का चोर, 100 लाख का चोर, थोड़ी चीज चुराई तो भी चोर, और करोड़ों रुपया चुरा के रख लिया और भाग गया तो भी चोर। तो यज्ञ की चोरी करना तो बहुत ही खराब बात है। ऐसी बहुत इंचार्ज ब्रह्मा कुमारियां होती हैं, मम्मा बाबा को बताए बगैर बहुत ढेर सारी चीजें उठा के रख लेती हैं, बताती ही नहीं, बताना तो चाहिए कम से कम, यूज करना आता है ईश्वरीय सेवा ईश्वरीय संपत्ति को, बताना नहीं आता है।